मध्य प्रदेश ही तो है जहां बेटियां लाडली लक्ष्मी भी हैं और भांजी भी। 2023 से लाडली बहन भी बन गई हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जहां ये सारी बातें बेईमानी सी लगती हैं। सारी योजनाएं दूर के ढोल लगते हैं और सारे दावे और वादे झूठे लगने लगते हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आधुनिक युग पर कलंक है। सरकार किसी की भी बने, सब यही कहते हैं कि हम हर वर्ग को ध्यान में रखते हैं, सभी को सुविधा देते हैं, स्वास्थ्य पर भी सरकार का करोड़ों का बजट रहता है, मगर फिर भी एक बेटी अपने गैंग्रीन पीड़ित पिता को इलाज के लिए अपनी पीठ पर लादकर दर दर भटकने को मजबूर है। प्रदेश के मामा जी, हम आपको बता दें कि ये बिटिया डिंडोरी की है और अपने गैंग्रीन पीड़ित पिता को अपनी पीठ पर लादकर इलाज के लिए दर दर भटक रही है, मगर आपके प्रदेश में इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई जगह भटकने पर भी उसके पिता को इलाज नहीं मिला है। थक हार कर ये बेटी अपने पिता को पीठ पर लादकर विधायक ओमकार मरकाम के पास अपने पिता के इलाज की गुहार लगाने पहुंची। उसने कहा कि पिता शिव प्रसाद बनवासी गैंग्रीन से पीड़ित हैं। उनका इलाज पूर्व में जबलपुर में भी हुआ था, बीच में मां का निधन हो गया जिसकी वजह से वो पिता को लेकर वापस डिंडोरी आ गई। खैर, बेटी पर विधायक जी को तरस आ गया और आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए पीड़ित पिता को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उनका इलाज अब जारी है। नाम की लड़की है, ग्राम ये बिलगांव अमरपुर की। उनके पिताजी गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित हैं, शिव प्रसाद बनवासी जी। उनके इलाज के लिए वो दर दर भटक रही है और पिछले समय जबलपुर में इलाज के लिए लेके गए थे, वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ, परेशान थी। जब भोपाल गए थे वहाँ अस्पताल में भर्ती थी, उसी दौरान उस बेटी की माँ जो थी उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा दर्दनाक स्थिति है उनके साथ और कहीं उन्हें कोई इलाज का कहीं सहारा नहीं मिला। आज सवेरे वो अपने पिताजी को पीठ में लाद के मेरे पास आई थी और मुझे उसके जो परिस्थिति है उसको देख करके बहुत दुख हुआ और उसके इलाज के लिए मैं पूरा प्रयास किया। अभी तत्काल में उसे थोड़ा बहुत सहयोग करके और इलाज के लिए मैंने भेजा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।